राधे राधे। श्री जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी आलू का ये नाश्ता लेकर आए हैं। ये नाश्ता खाने में टेस्टी तो है ही है और ये क्रिस्पी भी बहुत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए ये हमने मैदे वाली मीडियम साइज़ की 9 ब्रेड ली हैं। आप आटे वाली भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार में ब्रेड को इस तरह से तोड़ तोड़ कर डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। अब हम जार का ढक्कन लगाकर ब्रेड को ग्राइंड कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स बनकर हमारा रेडी है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ब्रेड को रखते हैं साइड में। ये 700 ग्राम उबले हुए आलू हैं। ये हमने छोटा वाला ग्रेटर लिया है जिससे अदरक किसते हैं। इसी से हम आलूओं को कद्दूकस करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें और आलू हमारी बहुत ही बारीक कद्दूकस हों और इससे नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगा। तो इसी तरह से हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। सारे आलू हमारे कद्दूकस हो गए हैं। आपको इसी तरह से आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। अब चलिए रखते हैं इसको साइड में। 5 बारीक कटी हरी मिर्च हैं। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। बारीक कटा हरा धनिया है ये। 7 लहसुन की कलियां, इनको छील लिया था हमने। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है ये, इसको हमने छील कर अच्छे से साफ कर लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे लहसुन अदरक का। 2 बड़े साइज की प्याज है बारीक कटी हुई। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लिया है हमने। फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें धुआं आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। प्याज लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में। अब हम इस तरह से चलाते हुए प्याज को हल्का सा पका लेंगे जिससे कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को लाल नहीं करना है। इस तरह से चलाते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं। प्याज देखिए हल्की सी पक चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे जो हमने काट कर रखे थे। अब टमाटर डालकर इस तरह से चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट आपको पका लेना है जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। अब मसाले डालकर कम से कम 3 मिनट तक पका लेंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। 3 मिनट बाद टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। मसाले भी पक गए हैं जो हमने इसमें डाले थे। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब किसा हुआ आलू डालेंगे। आलू डालते समय कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से हम पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाए। उसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। आलू डालकर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे जिससे कि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाएं। तो 5 मिनट हो गए हैं हमें पकाते हुए और मसाले भी अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो गए हैं। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप हरे धनिए को मिक्स ना करें। अब इस तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हरा धनिया आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आलू मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको 2-3 मिनट तक इस तरह से रख देंगे जिससे कि वो ठंडा हो जाए। ये अभी बहुत ही गर्म है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है।
अब हम इस तरह से इसकी गोल गोल लड्डू की तरह बना लेंगे। आप छोटी बड़ी आकार की अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब उंगलियों की सहायता से दबा दबा कर इसको चपटा कर लेंगे। जिस तरह से आलू की टिक्की बनाते हैं उसी तरह से ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारी टिक्की हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर है, उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी हैं ये। अब चलिए इनको रखते हैं साइड में। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया था उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। एक प्याली लेंगे, उसमें खाने वाली चम्मच से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। 1/4 कप पानी डाल देंगे इसमें और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो ये देखिए हमारा लिक्विड ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमने जो टिक्की बनाई थी उसको इसमें डिप कर देंगे। डिप करने से कोटिंग बहुत अच्छी होती है। अब हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार करा था अब उसमें अच्छी तरह से इस टिकिया को अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दबा दबा कर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेना है, इसमें बिल्कुल गीलापन ना हो, तभी आपका नाश्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इसी तरह से सारी टिकियाँ हम ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम आपको पास से दिखाते हैं, इसी तरह से हम सारी टिकियाँ बनाकर रख लेते हैं। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने गैस को ऑन कर लिया है, गैस को मीडियम ही रखेंगे। फ्राई पैन में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरह से एक एक करके टिकियाँ डाल देंगे। तेल बहुत गर्म है इसलिए सावधानी से आप टिकियाँ डालें और जब जी हल्की सी ब्राउन हो जाए तो इस तरह से पलट दें। तो इसी तरह से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तभी ये क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होगा। हमने अलट पलट कर बहुत अच्छी तरह से इनको फ्राई किया है और इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है। तो इसी तरह से हम प्लेट में निकाल लेते हैं इनको। अब चलिए सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म आलू का क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर रेडी है। टमाटो सॉस और मेयोनीज के साथ सर्व कर लेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो श्री जी की किचन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।